पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा द्वारा प्रदेश भर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को गांधी जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। पार्टी द्वारा प्रदेश भर में गांधी जयंती वर्ष के रूप में मनाते हुए कमल संदेश यात्रा निकाली जा रही है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक इसका आयोजन प्रदेश भर में होगा। इसी के चलते मुरादाबाद की कांठ विधानसभा में कमल संदेश पद यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ महापौर विनोद अग्रवाल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। शहर के सभी क्षेत्र के सभी भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्रीय भाजपा पार्षद तथा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भाजपा सभासद तथा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विनोद अग्रवाल ने कहा कि भाजपा ने सभी जनपदों में कमल संदेश यात्रा का आयोजन किया है, जिसके चलते मुरादाबाद विधानसभा में भी पदयात्रा का शुभारंभ किया गया है। कमल संदेश पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गांधी जी की स्मृति में 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 15 दिन का 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक सभी जनपदों में एक पद यात्रा का कार्यक्रम है, संपर्क अभियान शुरू किया गया है, जिसके अंदर कांठ विधानसभा में मेरा आज जाना रहा और वहाँ पर विधायक राजेश कुमार सिंह चुन्नू जी और सभी हमारे जिले के लोगों के द्वारा 150 लोगों की टोली है, 25-25 की 6 टोली बनाकर आज रवाना की गई। उनको हरी झंडी दिखाकर मोदी सरकार के द्वारा जो ये अपने कार्य किए गए हैं उसका जनमानस तक उसको पहुंचाने का कार्य शुरू किया गया। इसके अंदर मुख्य रूप से जो लोगों को बताया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ, इसके अंदर किसानों के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, युवाओं के लिए क्या कार्य किए गए हैं, महिलाओं के सम्मान में क्या कार्य किए गए हैं, पेयजल के लिए क्या क्या भाजपा सरकार ने काम किए हैं, स्वास्थ्य के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं, कानून व्यवस्था किस तरह दुरुस्त की गई है, औद्योगिक विकास के लिए, रोजगार के लिए क्या कार्य शुरू किए गए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं, शिक्षा से संबंधित बच्चों को पढ़ाई लिखाई में क्या कार्य दिए हैं और किस तरह सड़क पुल और ये इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह और बनाया जा रहा है, परिवहन सुगम यातायात में क्या कार्य किए हैं, स्वच्छता के लिए क्या मुहिम चल रही है, वित्तीय समावेश परिवारों के लिए जो बैंक खाते खोले गए हैं जनधन योजना वो, पेंशन के लिए कितने नागरिकों को पंजीकरण किए गए हैं, रोजगार के लिए छोटे बड़े व्यापारियों को किस तरह उनको ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, विद्युतीकरण किस तरह पूरे देश के अंदर कार्य हुए हैं, आवास के लिए 12,15,000 शहरी आवास लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं, दुर्घटना बीमा योजना बनाई गई है, आयुष्मान भारत है, ये तमाम प्रकार की जो मोदी सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार के कार्य हैं वो जन जन तक पहुँचाने के लिए आज हमने ये कार्य शुरू किया।